हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग लेसन्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक है वो है सम्स ऑन वेक्टर्स। मतलब आज हम सम्स करेंगे जो आपके लास्ट वीडियो के ऊपर है, वेक्टर्स के ऊपर। चलिए तो हम फर्स्ट सम देखते हैं क्या है। टू टाइम्स वेक्टर यू प्लस थ्री टाइम्स वेक्टर वी माइनस फाइव टाइम्स वेक्टर डब्ल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब हमें इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ वेक्टर यू इज गिवन, वी इज गिवन एंड डब्ल्यू इज गिवन। इट इज़ वेरी सिंपल वन। तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे टू वेक्टर यू प्लस थ्री वेक्टर वी माइनस फाइव वेक्टर डब्ल्यू इज इक्वल टू टू टाइम्स। अब वेक्टर यू की वैल्यू रख देते हैं 1 4 0 प्लस थ्री वी की वैल्यू रखेंगे, लास्टली माइनस फाइव डब्ल्यू की वैल्यू रख लेंगे। ओके, अब इसे सॉल्व करना है तो पहले उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज योर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सो टू वन ज़ार टू एट ज़ीरो प्लस सिक्स माइनस थ्री नाइन, लास्टली माइनस आप अंदर भी ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हम अंदर ले लेते हैं, प्लस यहाँ पर रखेंगे माइनस टेन माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन माइनस माइनस प्लस फाइव। फिर क्या करना है, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। तो ये दोनों को साथ में कीजिए, बाद में जो है इसके साथ कीजिए, वरना हम क्या करते हैं एक ही साथ ख़त्म करते हैं। टू प्लस सिक्स माइनस टेन एट माइनस थ्री प्लस फिफ्टीन ज़ीरो प्लस नाइन प्लस फाइव। तो आपका आंसर रहेगा एट माइनस, सो दैट विल बी माइनस टू, और हियर फाइव फाइव ट्वेंटी, और हियर फोर्टीन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं वेक्टर्स। फाइंड द वेक्टर्स इन आर क्यूब, दैट इज योर वेक्टर शुड बी इन द फॉर्म ए बी सी और एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऑफ यूक्लिडियन नॉर्म वन that are orthogonal to given vectors, that is u1 and u2। टू वेक्टर्स हमें दिए गए हैं और आपका जो वेक्टर जो आपको फाइंड करना है वो कैसा रहेगा, इनसे ऑर्थोगोनल, दैट आर इज गिवन। मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो हम पहले क्या लिखते हैं, लेट v बी दैट वेक्टर, दैट इज अवर रिक्वायर्ड वेक्टर इज v। फिर क्या दिया है, उसका यूक्लिडियन नॉर्म वन है। मतलब v नॉर्म अगर हम फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, वन। तो हमने लिया है v be that vector in R क्यूब, ले लेते हैं और उसकी एक वैल्यू एज्यूम करते हैं, एंड v इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी ले लेते हैं। तो अगर आप v नॉर्म फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। सो देयर फॉर वी कैन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस वन। फिर हमें क्या दिया गया है, दिस वैक्टर दैट इज वी वैक्टर इज ऑर्थोगोनल टू टू वैक्टर्स गिवन वैक्टर्स। तो पहले हम लिखेंगे वी डॉट यू वन इज इक्वल टू जीरो। वाई, बिकॉज दिस टू वैक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सो हमें मिलेगा इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो। तो इनर प्रोडक्ट के लिए वी का वैल्यू है ए बी सी डॉट यू वन का वैल्यू है वन 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 इक्वल्स टू जीरो। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इनर प्रोडक्ट है तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो इससे हम हमारा एक इक्वेशन दे देते हैं, दैट इज अवर इक्वेशन। ये एक देते हैं पहले वन, इसे देते हैं टू। अब हमारे पास सिमिलरली क्या है, वी डॉट यू टू इज जीरो। सो देयर फॉर वी कैन से ओवर हियर वी इज ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट यू टू इज गिवन, दैट इज वन कॉमा वन कॉमा जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। So therefore a plus b is equals to 0, so therefore we can say a is equals to minus b। So ये relation हो गया हमारा third। अगर आप ये दो equation को solve करें तो क्या हमें क्या मिलेगा, that a is minus b, then here हम put करते हैं कि a is equals to minus b, minus b plus c is equals to 0, मतलब हमें मिलेगा c equals to 0। So we can write from 2 and 3 c is equals to 0। अब ये सब वैल्यू हम क्या देख, यहाँ पे हम 4 दे देते हैं। तो अब करेंगे हम इसमें पुट आउट, तो फ्रॉम हम तो एक ये वाली वैल्यू यूज़ कर रहे हैं और ये यूज़ कर रहे हैं। सो फ्रॉम 1 3 4 वी कैन से ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, माइनस बी स्क्वायर, मतलब माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी तो ज़ीरो है, इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस वन। सो दैट विल बी, अब हमारे पास क्या आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस वन। सो हमें क्या मिल रहा है, बी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस वन अपॉन
√2। तो ये आ गए हमारी b की वैल्यू। अगर a की वैल्यू क्या है, इसकी एडिटिव इनवर्स है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट a इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस का एडिटिव इनवर्स माइनस प्लस 1/√2, राइट। तो ये आपकी तीनों तीन वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास c है, a है और b है, तो हमारा जो वेक्टर v है वो कौन सा फॉर्म है, a b c। सो गिवन वेक्टर हमारा कैसा रहेगा, अब a की वैल्यू लिखते हैं माइनस प्लस 1/√2, हियर प्लस और माइनस 1/√2, और c रहेगा आपका 0। तो दैट इज योर गिवन वेक्टर। अब यहाँ पे क्या दिया गया था, वेक्टर्स मतलब हमारे पास एक प्लस और माइनस दिया है, तो एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, वैसे ही हमारे पास दो वेक्टर्स रहेंगे। अब लास्ट सम देख लेते हैं, वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ u एंड v आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब u एंड v दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, और यहाँ पे दिया गया है u का वैल्यू और v का वैल्यू। अब दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, मीनिंग क्या होता है, u डॉट v इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर k1 डॉट k5 6 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर मल्टीप्लाई करते हैं तो k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर पढ़ने हैं जिससे आपसे एडिशन से 5 मिले, दैट इज प्लस 6 प्लस साइन प्लस इंटू प्लस इज प्लस, सो दैट विल बी 3 2 ज़ा। सो देयरफॉर के प्लस 3 डॉट के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर के इज इक्वल टू माइनस 3 और के इज इक्वल टू माइनस 2। इस वीडियो को ज़रूर से कमेंट में रिव्यू कीजिए, और अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड या किसी और टॉपिक रिलेटेड डाउट्स है तो भी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो ज़रूर से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको इंजीनियरिंग टॉपिक्स रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे।